की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का अपना ब्लॉग करते हैं जी शुरू। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ वो भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो जी अभी मैं और मेरे साथ खैर भाई जा रहे हैं, पत्तों की थोड़ा सा काम है तो हम लोग पत्तों वहाँ पर प्यास लग गई थोड़ा पानी पी के फिर चलते हैं आगे। पानी है जी बहुत ही ठंडा ट्यूबवेल का पानी, गर्मी है तो गर्मियों में पानी है ठंडा भी, निकलते हैं जी पत्तों के लिए। क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, मोटर खराब हो गई। तो जी अभी बावर भाई हमें रास्ते में मिले हैं तो वो अपनी बाइक का कोई मसला है उनका, वो तो दुकान से चेक करवा रहे थे क्या मसला है, तो अभी उनकी हालत देखें जी बाइक। बावर भाई मोदे खूह चला दे लगता जिम्मे इंज लगता जिम्मे मौत के खूह चला रहे यार, अपनी लाइट किधर गई, लाइट लाग सट दी एडा वक्त नाम लिखवाया। अब ये जो बाइक है ना इसकी अलग ही कोई स्टोरी है, इसके ऊपर जो हमने सफ़र किया हुआ है उसके बाद जो इसकी हालत की हुई है ना, ये जब इस तरह की जब इसकी हालत हो गई ना दोबारा बाबर भाई ने भी ज़रा गुवारा नहीं किया, अब इसका थोड़ा सा काम करवा के इसको सही करवा लिया जाए। और जिस तरह काम होता है उससे ज़्यादा उसका नुकसान भी होता है, ये भी बात है, और इसका थोड़ा सा काम हो गया ना फिर उससे ज़्यादा उसका नुकसान भी करना है, ऐसे ही है ना। वो जो पैसे हमारे लगे हैं वो ज़ाया नहीं होने चाहिए, वो हमें वापस लेने हैं इससे उसी टाइम। अभी इसकी कुछ हालत इस तरह सी है और इसके ऊपर बैठने को ना दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी के तौर पर कभी कभार जब इनकी दूसरी बाइक नहीं होती तो ये वाली ले आते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली हमने आना था यहाँ पे DD3 डिश का, ये हमारे पास रिसीवर है उसके ऊपर हमने लगवानी है लाइन। लाइन लगवाने से क्या होता है, जो ऑल चैनल्स जो बंद होते हैं ना वैसे सर्विस पर नहीं चलते तो उसके ऊपर चल जाते हैं। जो लोग भाई डिश के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं वो तो पता होगा उनको। अभी जी फाइनली उमैर भाई वो अंदर खड़े हुए हैं दुकान के अंदर सर्दी ज़्यादा थी इसलिए हम बाहर आ गए हैं, हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं, वो अभी लाइन लगा रहे हैं, हम यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं जी। बाबर साहब हमारे साथ हैं, बार भाई की खाना हम उसमें प्यार आ दुकान हैगी देखो, दुकान है दसो कितों मत की खाओगे, चल मैं आ रहा फिर आप अगे चलने अगे। वट इज दिस, क्या हुआ है, क्या है, आए काफ़ी स्पीड से हम आ रहे थे और एकदम से हो गई जी हमारी बाइक पंक्चर। बाकी हिम्मत है मैर भाई की जिन्होंने कंट्रोल कर लिया, मैंने तो कहा गई पीछे से, और बाबर भाई स्पीड से तो वो चले गए आगे निकल गए हैं, अभी वापस आएंगे, अभी रुके हुए हैं उनके लिए, वो आते हैं फिर पीछे को जाएंगे, उससे पहले नहीं जाना, आ जा वापस, तो वेट करते हैं अभी आते हैं तो फिर वापस निकलते हैं। अभी चेक कर रहे हैं जी कोई कील वगैरह या कुछ और हमारे टायर में हो तो उसको निकाल लेते हैं। चल घुमाई जा उरली यार, तो मैं देखिए नहीं
नहीं, बड़ी स्पीड से पंक्चर हुई इक्को था मैं जी। ये गर्मी नहीं आसी फिर भी इतना टायर गर्म वापिस। वो थोड़ी सी दूर आगे पंचर वाला है तो हम वहां से जाके भी लगवाते हैं पंचर। सब तो ज्यादा गुस्सा उस टाइम पे आता है जिस टाइम पे बाइक खराब होती है। पंचर लाभ ज्यादा होते अगे जी, बड़ी मेहरबानी भाई। वो भाई पूछ रहे थे क्या मसला हुआ है तो हमने बताया पंचर है हमारी। अभी जलील प्रोग्राम स्पीड से आए यार, क्या हो गया, जवान जान बंदे आप। अभी जा रहे हैं वो सामने, शायद आपको बाइक खड़ी नज़र आ रही हो तो वहाँ पे पंक्चरों वाला है, उससे लगवाएं जी जी अभी पंक्चर। वैसे पहले कभी किया नहीं मैं ना अपन जलील ने, आज लगता कोई बंदा ही ऐसा नाल आया जिन्हें मैं जलील कर रही। कोई ऐसा बंदा मिल जाता ना जिन्हें मैं तो अपन जलील होना पैदा, तो अज शायद कोई ऐसा बंदा मिले भी। मनहूस तैनू कि मनहूस क्या सर, तैनू अस कह सकने तुम्हें सोचा भी किने गल, ये तुम आप सोच रहे जो मर्जी सोची जाओ, मर्जी यार बावर भाई ताड़ी ऐसी। ओ थी अपड़ गया, शुक्र है जी दुकान तो हमें मिल गई है, बस अब यही दुआ है कि पंचर लग जाए। चल यार भी लगेगा जी कुछ ही मिनट उस मिनटों में हमारा पंचर नीचे खिला नहीं सी यार, आप तो बही हैं है। ओ तो अभी लगेगा जी पंचर, तो अभी जी भाई पंचर लगा रहे हैं और मैं भाई बैठे हुए हैं उनके पास और बावर भाई वो बैठे हुए हैं अंदर। बेसिकली जी ये वो वही बाइक है जिससे बावर भाई ने मुझे बाइक चलाना सिखाया, ये मेरे उस्ताद रहे हैं वैसे किसी दौर में, लेकिन मज़े की बात यह है मैं आज तक बाइक चलाते हुए गिरा नहीं और इनने हिस्ट्री की हुई है, ऐसे ही है ना भाई, हिस्ट्री की हुई है और कहीं पे भी दिल करता है ये गिर जाते हैं, ये पता नहीं क्या बात हुई सर, ये क्या वजह, यही तो पूछा जाता हूँ। कोई निशान अभी मौजूद हैं आपके जिस्म पे? वो तो होने भी चाहिए, और यही है हमारे उस्ताद जैसी ये बाइक चलाते हैं वैसी सेम टू सेम तो नहीं, इनसे अच्छी होगी या बुरी होगी दो ही तरीके हैं, और कुछ ऐसा वक़्त होता था कि मुझे इनके पीछे बैठने से डर लगता था, इतनी ख़तरनाक और गंदी तरीन कह सकते हैं, ख़तरनाक नहीं गंदी तरीन बाइक ये भी चलाते थे, गंदी तरीन बाइक थी वो, गंदी तरीन थी, और कैसे ना कैसे हमने भी थोड़ी बहुत वो जैसे कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो हमने भी वैसे रंग पकड़ लिया, हम भी चलाना स्टार्ट हो गए। कई बार ऐसा होता है कि उमर भाई हमारे पीछे बैठने से डरते हैं तो ज़्यादातर यार ये कील निकला हमारी बाइक के अंदर से, यानी कि बाइक के टायर के अंदर से, इतना बड़ा एड्डा वड्डा कील जान का की मकसद है, बच्चे किमें गया होगा। हाँ जी डीएनए कराना है अंदर, बावर भाई गेम खेल रहे हैं और वो भी यल्ला लूडो ये खेल नहीं रहा, देख रहा हूँ क्यों खेल रहे नहीं पाजे हम खेलेंगे। अच्छा लोगों ने देखी जा रहे आप भी खेल चाहनी हाँ नहीं खेल, मैंने भी रिक्वेस्ट करो यार मम्मी खेलना तेरे नाल, सुबह टाइम में 4 बजे खेलना होगा। बाइक चलानी किन्ने को सीखी तेरा उस्ताद कि क्यों आपे आ गई
ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਰ ਬਾਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਕਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਮ ਬਤਾਏ ਉਨਕਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਤਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 97 ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਜੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਜੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਣਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਵੱਜੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਔਰ ਆਪ ਕੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾਂ ਇਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਰ ਸ਼ਾਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਰਦੂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਮੈਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿ ਮਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕਾ ਦਰਖਤ ਉਹ ਕਾਟਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਲੱਕੜੀਓ ਕਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੌਲੇ 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 ਘਰ ਕੀ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੱਛਰ ਪੈ ਗਿਆ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਗੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡੇ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਖੈਰ ਯਾਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਡਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ
ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਭੀ 7 ਵਜੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਅਭੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਕਰਨਾ।